सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी है। सीमा हैदर जैसे लोग समझ रहे थे कि यार ये अनपढ़ गवार गांव सिंध की रहने वाली है, ये ऐसी बात नहीं है। सीमा हैदर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं और सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा हैदर को लेकर कोर्ट जो है थोड़ा सा इस मसले को लंबा खींच गया। ये तो इसका फैसला तो घंटे दो घंटे में होना था, लेकिन यहां पर सीमा हैदर का एक भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में था और सीमा हैदर का पाकिस्तानी फोन एकदम से टूट गया, गायब हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और ऊपर से सीमा हैदर जो है वो दूसरी सिम से बात करती थी सचिन से, और फिर वो नेपाल के जरिए इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान में घुसी है। काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो जासूसी करने के लिए आई है। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन खुद के जासूस होने से वो इनकार करती है। सीमा के पास इसके लिए अपनी दलीलें हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में, ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और जानकारी मांगी। वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कह सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। सीमा के पति ने दावा किया है कि वो पांचवी पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो पांचवी पास से काफी तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है। सर के पल्लू को ऐसे संभालती है जैसे भारतीय रीति रिवाजों से पुराना नाता है। विशेषज्ञ भी उसकी भाषा और बातचीत के लहजे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू, चार भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन, वो तमाम उस कोटि का है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि पांचवी क्लास तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट्स भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है उनकी ग्रूमिंग की गई है या उन्होंने अपने को ट्रेन किया है। ये सवाल हमने भी सीमा से पूछा, इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बाद हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इधर भारत में एक्सपर्ट सीमा की किसी भी दलील को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ISI अपने एजेंटों को भारत भेजकर जासूसी करवाता रहा है। पाकिस्तान अपने जासूस ISI से ट्रेन करा करके नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए या सीधे घुसपैठ के जरिए भेजकर, या तो भिखारी के रूप में या फकीर के रूप में, साधु के रूप में या व्यापारी के रूप में, या मेवे आदि खरीदने वाले, या कपड़ा विक्रेता के रूप में, कालीन विक्रेता के रूप में, इस तरीके से वो संगठित रहते हैं, स्लीपर सेल का गठन करते हैं। वहीं दुनिया में चर्चा हो रही है, एक सीमा को अगर हिंदुस्तान में रहने दिया गया तो पाकिस्तान से भारत आने वाली लड़कियों की बढ़ा सकती है। मैं आपको बताऊं एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए दोस्तों। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, ऐसे हजारों लड़कियां और आएंगी। ये मेरी बात नोट कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो का रिकॉर्ड रखना अपने पास, कि सीमा हैदर जैसी लड़कियां अब रास्ता देख लिया है उन लोगों ने, अब वो इतनी ज्यादा आएगी हिंदुस्तान कि सरकार परेशान हो जाएगी कि आखिर इसके लिए एक अलग जो है वो रूल बनाए जाएंगे कि इनका क्या किया जाए अपनी बेटियों के साथ। इधर सीमा का कहना है वो पाकिस्तान लौटी तो मारी जाएगी, धमकी आ चुकी है, ऐसे में हिंदुस्तान उसे वापस ना भेजे।
वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि डर के सीमा हमें वापस दे देंगे, जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे।